हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ईद के पहले अब नहीं टूटेगा मस्जिद और मुसलमानों का घर, सपा नेता रईस शेख ने की पहल। मुंबई उपनगर के बांद्रा में बहराम नगर कोयला वाली गली को महानगर पालिका द्वारा ईद से दो दिन पहले तोड़ने वाली थी, जिससे मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे लोग और यहाँ के मुस्लिम समाज के निवासी बहुत ही परेशान थे और उन्होंने अपनी परेशानी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर शेयर किया था और लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर हमने ईद के पहले मुसलमानों पर कहर मनप्पा करना चाहती उन्हें बेघर शीर्षक से हमने हिंदुस्तान की आवाज़ में समाचार प्रकाशित किया था। सोशल मीडिया की खबरों का इतना असर हुआ कि महानगर पालिका में समाजवादी के गट नेता नगर सेवक रईस शेख इन परेशान लोगों के लिए आगे आए और उन्होंने बहराम नगर के लोगों को लेकर मुंबई के महापौर के निवास पर रात 1 बजे जाकर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर से मुलाकात कर बहराम नगर की सभी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने संबंधित अधिकारियों से बैठक कर बहराम नगर की समस्या का हल निकाल कर उन पर न्याय किया जाएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं महापौर महाडेश्वर के निवास और आप स्वयं देखें कि समाजवादी पार्टी के गट नेता और महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने क्या कहा। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। बांद्रा में रहने वाले चमड़ावाड़ी जो नाला है उसके आजू बाजू में बगल में रहने वाले जो हमारे भाई हैं, वो हमारे समाजवादी पार्टी के गट नेता रईस शेख साहब के साथ रात के एक बजे मुझे मिलने के लिए आए हैं। वहाँ उनके प्रॉब्लम सब सुन के लिए हैं। तो कल हम बीएमसी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनसे बात करके उनको कैसा न्याय दे सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं सबकी तरफ से मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के 1 बजे उन्होंने वक्त दिया। हालात ऐसे हो गए थे, इनका वीडियो देखने के बाद तमाम लोगों को ये दिल में आ रहा है कि कैसे भी इनकी मदद हो, पर इंशाल्लाह ताला कल की मीटिंग में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इंशाल्लाह। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है कि रईस भाई के साथ में, और फर्स्ट इंटरेक्शन में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इन जैसे नेता और इन जैसे लीडर की ज़रूरत है, और आप जैसे मेयर पोस्ट के लोग जब इस हमको ऐसा रिस्पेक्ट देते और हमको ऐसा बताते तो हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमको। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।